इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें मानी की यूटिलिटी फंक्शन दी हुई है और गुड एक्स और गुड वाई दोनों की प्राइस पी एक्स इक्वल 5 और पी वाई इक्वल 1 दिया हुआ है। मानिक का इनकम भी दिया हुआ है हमें और हमसे पूछा जा रहा है कि ऑप्टिमल कंजम्पशन फॉर द गुड टू गुड्स यानी गुड एक्स और गुड वाई की वैल्यू पूछी जा रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है तो उस केस में जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अपन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो इक्वल होती है उसके प्राइस रेशियो के इक्वल हो जाती है। ये हम सभी लोग जानते हैं इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ से एक्स एक्स वाली गुड से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लेते हैं। तो डी यू डी एक्स कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या है, अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट वाई, यही है ना। तो हम इसका जब पार्शियल डेरिवेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, और जब वाई कांस्टेंट होगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन 0 हो जाएगा, बाकी अंडर रूट एक्स का जब हम करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं अरे एक्स की वैल्यू 1/2 है ना, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और एक्स का पावर क्या हो जाएगा -1/2, तो ये नीचे आ जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, ये आप जानते ही हैं। फिर उसी तरह हम यहाँ पे वाई वाली गुड का डी यू उसकी मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लेते हैं इस बार। तो यहाँ पे एक्स बार इस बार यहाँ पे एक्स इस बार कांस्टेंट हो जाएगा तो जो मार्जिनल यूटिलिटी वाई के लिए आएगी वो क्या आ जाएगी 1/2 अंडर रूट वाई। अब इक्विलिब्रियम वाले इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं तो क्या हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स अपान में 1/2 अंडर रूट वाई इक्वल 5/1 है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, होगा क्या वाई बाई एक्स और इस पूरे का अंडर रूट हो जाएगा अपान में 5/1। दोनों साइड्स का हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे भाई वाई बाई एक्स इसलिए हुआ है कि अंडर रूट वाई अपन में अंडर रूट एक्स किए हैं, तो इसका मतलब क्या है, अंडर रूट वाई का मतलब वाई की पावर 1/2। अब चूंकि दोनों पे है तो इसीलिए वाई बाई एक्स का पावर मैंने वाई बाई अंडर रूट में कर दिया, 1/2 कर दिया है। दोनों पक्षों का हम दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वाई बाई एक्स इक्वल 25 है ना। अब यहाँ से वाई इक्वल क्या हो जाएगा 25x हो जाएगी ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बजट कांस्टेंट है वो क्या होता है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल, चूँकि 60 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देख ही रहे हो 60 दिया हुआ है तो वैल्यू पुट करते हैं। पी एक्स कितना है 5 है और एक्स को एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस पी वाई 1 है और वाई की वैल्यू क्या है 25x इक्वल कितना हो जाएगा 60। ये टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 5x और 25x 30x इक्वल हो कितना जाएगा 60। एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2, तो जो एक्स की गुड कंज्यूम होगी वो कितनी होगी 2 होगी। अब चूंकि इस वाले इक्वेशन इसको आप 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 में अगर हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे यानी वाई इक्वल क्या है 25 इंटू एक्स है तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा 25 × 2 यानी 50, यानी वाई की 50 गुड कंज्यूम होगी और एक्स की 2 गुड कंज्यूम होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। समझ आया ना, सब्सक्राइब कर देना मित्र।